मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और ससुराल वालों को बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। वहीं युवक के वापस न लौटने पर घर वालों को कुछ शक हुआ, उन्होंने युवक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से इस मामले की जाँच करते हुए युवक के बेजान शरीर को एक सरसों के खेत से बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मुरैना निवासी रामहेत की पत्नी रीना के पड़ोस में रहने वाले 20 साल के सूरज के साथ नाजायज संबंध थे और वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन पति के जिंदा रहते ये मुमकिन नहीं था, इसलिए महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जनवरी की रात जब रामहेत शराब के नशे में धुत था, इस दौरान मौके को देखकर उसकी पत्नी ने छत के रास्ते से अपने प्रेमी को बुलाया और दोनों ने मिलकर गला दबाकर युवक की हत्या कर दी और उसके बेजान शरीर को घर के पीछे सरसों के खेत में दफना दिया, जिससे पुलिस ने 32 दिन बाद चली खोजबीन के बाद ढूंढ निकाला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्रीस से एक भीषण रेल हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां दो ट्रेनों के आपस में टकराने से लगभग 16 लोगों की मौत हो गई और 85 लोग घायल हुए हैं। विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक ये हादसा ग्रीस की राजधानी एंथेस और थेसालोनिकी के बीच हुआ। वहीं इस हादसे की सूचना मिलने पर दमकल विभाग और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक एंथेस से लगभग 235 मील उत्तर में टेम्पी के पास यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से यात्री ट्रेन में कई बोगियां पटरी से उतर गई और साथ ही 3 बोगियों में आग भी लग गई। वहीं दमकल विभाग ने बताया कि इस हादसे में लगभग 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 85 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों में से 25 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही दमकल विभाग के अफसरों ने बताया कि घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए आसपास के शहरों से एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसकी मदद से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इमरजेंसी लागू कर दी गई है।